Around 80 kilometers from the national capital, Rohtak in Haryana on Thursday morning was covered in dense smog after stubble burning in the region. The rapid increase in particulate matter 2.5 and 10 to more than 4 times the permissible limit in the city has raised concern for the people. The residents of the city are feeling the consequences of pollution and are complaining about the uneasiness and breathlessness due to toxic air. इससे ज़्यादा मात्रा में एक्सीडेंट हो रहे हैं धुंध पिछली बार से ज़्यादा मात्रा में हो रही है अब की बार इसमें जो पराली वगैरह फूंक रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहा है इससे आँखों में प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा और एक्सीडेंट का तो पता ही नहीं हर रोज़ कोई ना कोई वारदात होती रहती है एक्सीडेंट की. Professor of Environmental Sciences Rajesh Dhankar said that the burning stubble by the farmers is not the only cause for such large-scale pollution. जिस तरह से जो वायुमंडल में इतना प्रदूषण फैला हुआ है स्मोक फैला हुआ है क्या है स्थिति इसमें मेनली तो हमारा जो PM 2.5 और PM 10 है ये ज़्यादा जिम्मेवार है इस पूरे प्रदूषण को फैलाने में जो कि 5 तारीख को हमारा 130.37 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था 6 को 165.12 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था जबकि आज 8 तारीख को 252 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है जो कि जो इसका ऑप्टिमम लेवल है वो हमारा 60 है तो आप ये देखिए 5 गुना ऊपर हो गया 4 से 5 गुना ऊपर है जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो है बाहर कम से कम निकलने की कोशिश करें जब तक सूरज ना निकले क्योंकि सूरज में जो है ये पार्टिकुलेट मैटर डिस्पर्स हो जाते हैं जिसके कारण थोड़ी आपको एनवायरनमेंट में सहूलियत होती है बाहर निकलने के लिए और शाम को भी कोशिश करें सूरज छिपने से पहले बाहर रहें उसके बाद आप अंदर घरों में रहने की कोशिश करें. Meanwhile, Haryana has taken action against 1,011 farmers for burning stubbles. Despite National Green Tribunal's ban on stubble burning, the crop is burned annually in Haryana and Punjab to clear the fields for the fresh harvest. Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar said that he has urged the farmers to not burn crops and necessary steps have been taken by the government to curb pollution. देखिए ये एक कंसर्न का विषय है और हम लोगों ने अपने हरियाणा में जो जो कुछ हो सकता है वो सब किया है पराली जलाने वालों को हमने आग्रह भी किया है वो रोकें हमने इम्प्लीमेंट्स इसी प्रकार के लोग खरीदें जिसके अंदर पराली को इकट्ठा करके उसका अन्य उपयोग करें जलाएं नहीं ताकि प्रदूषण रोका जा सके हरियाणा के अंदर हमने पर्याप्त अपनी ओर से जितनी भी सावधानियां बरतनी है जितने भी स्टेप्स उठाने हैं उन्हें उठाए हैं.